सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज पता लगने वाली है जिससे आप अपने पोस्चर को बेटर कर सकते हो। आज बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम या स्कूलिंग फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, इसकी वजह से आप और आपके जो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका पोस्चर ऑल द टाइम दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर लैपटॉप्स, टैब्स, मोबाइल फोन्स लाइक दिस, ओके मैम, यस मैम, इस करके क्या हो रहा है, पूरे टाइम उनका पोस्चर इज बेंट फॉरवर्ड, दे आर सिटिंग लाइक दिस। ऑल्दो रिसर्च कहती है कि ठीक है, पोस्चर का नेक पेन से, बैक पेन से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट ऑन द अदर वे अराउंड क्या आपको ऐसा पोस्चर अच्छा लगता है? ठीक है, अगर कोई ऐसे ही करके आपके पास आ रहा है, अगर आपकी बैक ऐसे बेंड हो जाए, डू यू लाइक दैट? आई डोंट थिंक यू वुड लाइक दैट, राइट? तो इन चीजों से बचने के लिए आप अपने पोस्चर को ठीक रखना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप सीधे ऐसे खड़े हो, कॉन्फिडेंट पोस्चर लगे, आपके बच्चे जो है वो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें, क्योंकि अगर चाइल्डहुड में उनकी बोन्स को आप पूरा बेंड करके पूरा दिन दिया सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप लाइक दिस, तो व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल बिकम एडल्ट लाइक यू, तो उनका पोस्चर बहुत गलत हो जाएगा। सो वी वॉन्ट कि वो प्रॉपरली करेक्ट हो, तो उसके लिए आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आई एक्सप्लेन सॉल्यूशंस, वेयर योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की, कुछ स्ट्रेचेस की और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, जो आपकी अपर बैक, लोअर बैक और शोल्डर और नेक के मसल्स पे वर्क करेंगी, ताकि इस पूरे काइनेटिक चेन को स्ट्रेंथन अप किया जा सके और ताकि आपके किड्स और आपके पोस्चर को नॉर्मलाइज किया जा सके। और जो ये लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नेगेटिवली ना आए। तो इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपने करनी है, उसमें आपने क्या करना है, सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठ के आपने अपने नेक को एक साइड बेंड करना है। नेक को एक साइड बेंड किया एंड जिस साइड बेंड किया उसके ऑपोजिट साइड वाला हैंड जो है आपके हिप्स के नीचे, आपकी लेग के नीचे आपने रख लिया। ठीक है, अब आपने नेक को जब साइड बेंड किया तो राइट हैंड, अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, अपने नेक को राइट साइड पुल करेंगे, तो इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड नेक पे जो स्ट्रेच आ रहा है उसको आप होल्ड करेंगे फॉर अ काउंट ऑफ 20 सेकंड्स के काउंट तक होल्ड करेंगे एंड देन यू विल रिलैक्स। एंड सेम स्ट्रेच को आप ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड लाएंगे, राइट हैंड नीचे आपके हिप्स के नीचे प्रेस्ड होगा एंड लेफ्ट हैंड से आप पुल करेंगे इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसको भी आप 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। तो जब आप राइट और लेफ्ट दोनों साइड 20 सेकंड तक होल्ड करोगे तो ये दोनों साइड की जो मसल्स हैं जो आपके पोस्चर को खराब करने का ट्राई कर रहे थे वो रिलैक्स हो जाएंगी एंड देन आपका पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है, आपने देखा होगा मोस्ट कॉमनली ऐसे करके बच्चे पूरा दिन बैठे रहते हैं, शोल्डर्स आगे आ रहे हैं, नेक आगे आ रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें इसको पीछे लेके जाना है एंड इसको पीछे लेके जाना है। जब इसको करेक्ट करना है तो इसके लिए आपने क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आप उनको जो एक्सरसाइज करवाओगे उसमें वो खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ पीछे रख के, हाथ में एक कोई वैन, कोई केन या फिर एक टावल लेके सीधा पकड़ लेंगे एंड उसको पीछे की तरफ लिफ्ट करेंगे, जस्ट टेकिंग इट अप, जैसे कि आप इस विजुअल जो आपको दिख रहे हैं विजुअल साइड में उसमें देख रहे हैं कि हाथ को पीछे लेके ऊपर उठाया, उस वैन को ऊपर उठाना है या फिर उस टावल रोल को ऊपर लिफ्ट करना है और दोनों हाथों को पीछे की साइड लेके जाना है और होल्ड करना है फॉर अ काउंट ऑफ 5 के काउंट तक इस पोजिशन में आप होल्ड करोगे एंड फिर हाथ को वापस लेके जाओगे नीचे। तो इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट आप करोगे 5 repetitions, सो 5 repetitions फॉर अ होल्ड ऑफ 5 seconds ईच। ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज जो आपने करनी है, उस एक्सरसाइज के लिए आपने वॉल के पास जाना है, वॉल के पास जाके अपने आर्म्स को वॉल पे ऊपर और नीचे स्लाइड करना है विद योर फेस अलाइंड विद द वॉल। तो आपका हाथ वॉल के ऊपर दोनों इक्वली 90 डिग्री प्लेस कर लिया एंड अब आपके हाथ को सीधा ऊपर लेके जाना है, वापस लेके आना है, तो आप वॉल स्लाइड कर रहे हो विद योर हैंड्स और इस प्रोसेस में आप अपने अपर बैक पे वर्क कर रहे हो ताकि उसका पोस्चर जो है ये बेंट फॉरवर्ड स्टूपिंग पोस्चर से स्ट्रेट पोस्चर हो जाए, इसका ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज को आपने 10 repetitions लाइक 1 टेकिंग इट अप एंड डाउन, देन 10 times ऊपर एंड नीचे लेके जाना है एंड इस एक्सरसाइज को जब हाथ ऊपर लेके गए तो 2 के काउंट तक होल्ड करेंगे, सो टेकिंग इट अप, होल्डिंग फॉर अ काउंट ऑफ 2 एंड देन टेकिंग इट डाउन। तो इस तरह से आप जब 10 repetitions के कर लोगे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है उसके लिए आपने अपने हाथों को एक टेबल या स्टूल के ऊपर रखना है। आप क्वाड्रप पोजीशन में आ जाएंगे, जैसे घोड़ा बनते हैं ना, उस पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपके हाथ भी नीचे, पैर भी नीचे। अब आपने अपने हाथों को, अपनी एल्बोज को रख लिया एक टेबल के ऊपर, अपने हाथ में आपने एक स्टिक पकड़ ली। अब आप इस स्टिक को पकड़ के आपने स्टिक को सीधा करना है, बेंड करना है, सीधा करना है, बेंड करना है। इस पूरी प्रोसेस में आपका जो अपर बैक है वो स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट रखते टाइम जब आपके एल्बोज और शोल्डर्स का मूवमेंट हो रहा है तो उससे आपके अपर बैक का पोस्चर नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस पोजीशन में आके एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स आप इसको बेंड एंड स्ट्रेट करोगे एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज दिन में आप 1 to 2 कर सकते हो। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपने करनी है उसके लिए आपने अपने बेड पे सीधे लेट जाना है। बेड पे सीधे लेट के आपने अपनी अपर बैक के नीचे एक सीधा बॉलस्टर रख लेना, जैसे कि आपको इन विजुअल्स में दिख रहा है बॉलस्टर, यानी कि दिस रोल। इस बॉलस्टर को, ये रेडीमेड बॉलस्टर आपको मार्केट से मिल जाते हैं या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली यही बॉलस्टर जो हम यूज कर रहे हैं ऐसा ही बॉलस्टर आपको मिल जाएगा। अब इसका यूज आप करेंगे एंड इसको अपनी अपर बैक के नीचे रख के दोनों आर्म्स को स्प्रेड करके आप सीधे लेट जाएंगे। जब आप अपने दोनों आर्म्स को स्प्रेड करेंगे, बैक के नीचे ये बॉल्स रखा होगा, तो आपकी अपर बैक का जो पोस्चर है, अपर बैक का जो हम्प है, उसको नॉर्मलाइज कर देगा ये। तो इस पोजिशन में आप 20 seconds तक अपने बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। पूरे टाइम आप डीप ब्रीदिंग करेंगे लाइक दिस। राइट, जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो आपको इतना रिलैक्सेशन फील होगा, यू विल फील लाइक एट ईज। आपको लगेगा कि यू नो एक अलग ही डोमेन में आप आ गए हैं। जब इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे तो आप दिन में एक बार सुबह, एक बार शाम को, जस्ट 20 to 30 seconds होल्ड, दैट्स इट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपने करनी है उसके लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट कर लिया, एल्बोज एंड शोल्डर्स एट 90 degrees। अब पैरेलल आ गए ग्राउंड के। अब जब आपने हाथों को ऊपर लिफ्ट कर लिया, अब आपने हाथ को स्प्रेड करना है साइड टू साइड। साइड टू साइड स्प्रेड किया तो क्या हुआ, अपर बैक पे वर्क हुआ, अपर बैक की मसल्स ने वर्क किया, तो उससे क्या हुआ, अपर बैक स्ट्रांग होगी और आपका जो स्लाउचिंग पोस्चर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा लाइक दिस। अब जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तो इस पोजिशन को आपने एक बार ओपन अप किया, अपने एल्बोज को पीछे लेके गए, पीछे ले जाके आपने 5 के काउंट तक होल्ड किया एंड इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स करना है। तो 5 to 6 repetitions of taking the elbow back and holding it there for a count of 5 seconds. ये exercise and last but not the least, इसके बाद जो next exercise बताने वाला हूँ, that is a bonus exercise. वो बहुत ज़्यादा helpful रहेगी और इन सब exercises का combination है and that will be amazing. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे subscribe पे क्लिक कर दें, क्योंकि आगे आने वाली videos आपको आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलती रहे और आप कोई भी हमारी वीडियो मिस ना करें, बिकॉज आगे आने वाली सीरीज आर गोना बी सुपर अमेजिंग। यस, तो अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट एक्सरसाइज पे। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने आर्म्स को स्प्रेड किया, दोनों शोल्डर्स को पीछे पुल किया एंड अपने आर्म्स को साइड में ऊपर लिफ्ट किया। अब साइड में ऊपर लिफ्ट करके आपने होल्ड किया फॉर अ काउंट ऑफ 5। फिर आपने अपने दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेके गए, होल्ड किया फॉर अ काउंट ऑफ 3 एंड फिर आगे पूरा स्ट्रेच कर दिया आगे की तरफ फॉर अ काउंट ऑफ 3 एंड डाउन। सो हाथ ऊपर 5 के काउंट तक होल्ड, हाथ पीछे 3 के काउंट तक होल्ड, हाथ आगे 3 के काउंट तक होल्ड एंड नीचे। ये पूरा कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे, ये सारी जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये सारी अगर आप एक्सरसाइज एक साथ करते हैं तो आपका पोस्चर विल बी अमेजिंग एंड जिसको भी आप देखेंगे वो बोलेंगे अरे वाह। तो ये अरे वाह वाली फीलिंग अगर आपको चाहिए तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अब जब ये एक्सरसाइज आपको पता चल गई है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने छोटे छोटे बच्चों को सबको करवाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब लोग, वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया और एनी वेयर अराउंड दिस ग्लोब, आपका पोस्चर, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पोस्चर रिफ्लेक्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को। दूसरा, आपका पोस्चर जो है वो इम्पेक्ट करता है आपके टमी को। अगर आप पूरा दिन स्लाउच होके बैठे हैं तो आपके फ्रंट जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो प्रेस होते रहते हैं। प्रेस होंगे तो क्या होगा, जितना भी स्टमक में आपने फूड इनटेक किया, वाटर इनटेक किया, वो वहीं पूरा दिन यू नो एक जगह कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डाइजेशन में इश्यूज आएंगे,
तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज आएंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज आएंगे तो उसकी वजह से बाकी बॉडीली इश्यूज आएंगे। तो वी डोंट वांट कि ऐसा कोई भी इशू आपको ट्रबल करे, आपको कोई मस्कुलोस्केलेटल इशू नहीं होना चाहिए। तो इन सब के लिए आप ये एक्सरसाइज अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी और इशू जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, लेग पेन, कोई भी प्रॉब्लम आपको ट्रबल कर रही है, तो इन सब के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको उन पेन्स के लिए करनी है वो इनके नीचे मैंने लिंक्स दे दिए हैं, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे कौन कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार कैसे कैसे रिपीट करनी है, ताकि आप पूरा बेनिफिट अपने घर बैठे हुए ले सकें। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हुए हैं, उन पे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल पे हमारे कॉन्टेक्ट हमें कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।